हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए चावलों का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, वो भी बिल्कुल झटपट तरीके से। तो चावल हम कई बार बनाते हैं तो हमारे घर में चावल बच जाते हैं, तो उनसे हम न्यू रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए हम 1 कप चावल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बेसन 1/2 कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी 1 टेबल स्पून और अब डालेंगे हम दही, तो 1/3 कप दही डाल देंगे हम इसमें। हल्का खट्टा होना चाहिए दही। और 1/3 कप ही हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना हम दही लेंगे उतना ही हमें पानी डालना है। और इसको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे बाउल में और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो मैं बता देती हूँ, देखिए इस तरीके से इसका इसमें पानी डालना है, इतना ऐसा होना चाहिए। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है बारीक वाली, आप मोटी वाली से भी बना सकते हो। और ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, 5-6 हरी मिर्ची और 1 इंच टुकड़ा अदरक का और नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे और इनको इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब हम इसको ढक कर रख देंगे रेस्ट पर 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी फूल जाए। अब हम कोई भी बर्तन या केक टिन लेंगे और उसको घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हमें बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करना है, जिससे हम जब भी बैटर डालें उसको पकाएं और उसके बाद निकालें तो बड़ी आसानी से निकल जाए, चिपके नहीं तले में। तो ये हमने तैयार कर लिया, सेम ऐसे ही तैयार करना है। इसको साइड में रख देंगे। अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो ये भी हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है, तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है बैटर सूजी फूलने के बाद। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, आप इनो भी ले सकते हो, 1/8 छोटी चम्मच। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। बेकिंग सोडा हमें तभी डालना है जब हमें इसे बनाना हो, उसके बाद हमें तुरंत इसको डालकर पकाना है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब हम केक टिन लेंगे और उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बैटर को। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे इस तरीके से, हल्का सा, कोई बबल्स नहीं रहे। अब हम एक कढ़ाई में पानी डालेंगे, आप कुकर में भी डाल सकते हो, जिसमें आपका बर्तन आ जाए उसमें। उसके बाद ढककर गर्म कर लेंगे पानी को। ये मैंने 2 गिलास पानी डाला है। अब हम कोई भी स्टैंड लेंगे इस तरीके का और उसको कढ़ाई में रखेंगे पानी गर्म करने के बाद। अब हम इस पर केक टिन रख देंगे क्योंकि हमें इसको स्टीम करना होगा। तो देखिए इस तरीके से रख कर फिर हम इसको ढक कर पकाएंगे। तो हमें इसको 45 मिनट के लिए पकाना है, एक बार बीच में चेक कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं 45 मिनट के बाद। कोई भी चाकू या टूथपिक लेंगे और इस तरीके से इसमें डालकर देखेंगे तो ये चिपकना नहीं चाहिए, हल्की सी कसर है। तो मैं थोड़ा सा और पका लूँगी इसको, और पकाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको टिन से बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसकी साइड्स को इस तरीके से अलग कर लेंगे किसी भी चाकू की सहायता से, ये अपने आप अलग हो जाती है यदि हम ढंग से ग्रीस करते हैं तो। तो देखिए ये साइड्स अलग कर ली हैं। अब मैं कोई भी प्लेट लूँगी
और इस तरीके से प्लेट को ऊपर रखकर इस पर पलट देंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जैसे हम ढोकला बनाते हैं सेम वैसे ही स्टीम करना है हमें इसे, तो देखिए और इसमें चिपका भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। वाव, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको कट कर लेंगे किसी भी शेप में, आप जैसे शेप चाहते हो उस हिसाब से कट कर सकते हो। मैं ट्राइंगल शेप में कट करके तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करना है, बड़ी आसानी से कट हो जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये मैंने कट कर लिए। अब मैं इसको बता देती हूँ एक पीस को निकाल कर। तो देखिए वाव, तो इस तरीके से हमें इसको कट करके तैयार करना है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ। अब हम इसको सेलो फ्राई कर लेंगे और अच्छा टेस्ट देने के लिए, लाजवाब बनाने के लिए। तो एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे घी 1 बड़ा चम्मच। घी को हम पिघला लेंगे, मेल्ट होने देंगे और हल्का गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यदि नई नई रेसिपीज देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये मेरा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून राई, 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद तिल और 4 हरी मिर्ची, इनको 2-2 पीसेज में मैंने कट कर लिया है। इनको इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। देखिए राई चटकने लगी है। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, हल्का सा पकाना है और इसको अच्छे से फैला देना है इसमें फ्राई पैन में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम इसमें जो हमने तैयार किया है ब्रेकफास्ट, उसको इसमें इस तरीके से डाल देंगे। एक एक पीसेज को हम रख देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, और भी मैंने ब्रेकफास्ट की कई रेसिपीज मेरे चैनल पर डाल रखी है, वहाँ पर देखकर आप नई नई रेसिपीज बना सकते हो। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी मैंने कई रेसिपीज मेरे चैनल पर डाल रखी है। और सावन का मौसम महीना है तो इसमें भी आप घेवर भी बनाकर तैयार कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से और परफेक्ट, वो भी मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है। और भी कई सावन, तीज, राखी की रेसिपीज मैंने डाल रखी है मिठाइयाँ, तो वो भी आप देखकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने सभी रख दिए हैं इसमें। अब हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे इसको मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे और गैस का फ्लेम कम कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से किसी भी चम्मच या पलटे की सहायता से पलट देंगे तो इस तरीके से सिक जाना चाहिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। सेम ऐसे ही हमें इसे सेकना है और इसी तरीके से मैं दूसरा भी पलट दूंगी। सभी को इस तरीके से हम पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये मैंने सभी पलट दिए हैं। अब हम इनको फिर से ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड भी, और उसके बाद हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। आप इसको सुबह शाम कभी भी एंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।